बिग बॉस के घर में हुई है अदनान शेख की एंट्री। कल के एपिसोड में उनकी एंट्री दिखाई गई और आते ही ढेर सारा हंगामा भी। कटारिया को लेकर उन्होंने धोखेबाज फ्रेंड कहा और कटारिया ने उनकी एंट्री के साथ ही उन पर वार भी कर दिया, यानी कि तगड़े जवाब देकर अपनी दुश्मनी क्लियरली कटारिया भी साबित करते हुए अदनान के लिए नजर आ रहे हैं। लेकिन पीठ पीछे बहुत तगड़ी गेम खेलते हुए अदनान की यहां कोशिश जारी है, जहां वो कटारिया की अगेंस्ट घर वालों को गलत तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि बिग बॉस के घर के बाहर कैसे हैं कटारिया और उनके साथ कितना गलत किया है आज तक, इवन एल्विश यादव ने भी। अब उनकी मेन कोशिश यहां पर यह है कि कटारिया के अगेंस्ट घर के 5 लोग तो ऑलरेडी हैं, अरमान मलिक, कृतिका मलिक, सना मकबूल, साई और रणवीर शौर्य। नेजी का 50-50 है, यानी कि 6 लोग हो गए। 3 दोस्त बिल्कुल अहम हैं कटारिया के लिए, विशाल पांडे, सना मकबूल और शिवानी। अब इन तीनों को उनके अगेंस्ट लाने की इनकी पूरी कोशिश है, धीरे धीरे करके ही सही, यानी कि पूरा अगर चार्ज हो जाएंगे पलट जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे गॉसिप करके, तो वो भी समझ जाएंगे कि भाई ये हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अदनान पहले तो विशाल के साथ अच्छी दोस्ती है तो उनसे ही बात कर रहे हैं कि कटारिया ने जो किया सही नहीं किया, तो जो सपोर्ट करना चाहिए था नहीं किया। सना मकबूल को भी, शिवानी को भी धीरे धीरे करके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इसलिए इन तीनों ने बैठकर कटारिया को ये कह दिया है कि अदनान अपनी ओर से कोशिश करता रहेगा, बात करता रहेगा, लेकिन उसका टॉपिक हो या उससे बात हो, कटारिया तुझे झगड़ना नहीं है। कटारिया ने कहा भाई मैं खुद जाकर किसी से लड़ाई नहीं करने वाला, वो अगर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा तो मैं जवाब दूंगा ही दूंगा, क्योंकि कटारिया तो गुस्से में है, कटारिया को अदनान तो फूटी आंख नहीं सुहाते। अब ऐसे में यहां पर जब अदनान इन थोड़ा पोक करेगा, कटारिया जवाब देंगे, तो कहीं ना कहीं अदनान की तो ये कोशिश ऑलरेडी है ही कि कटारिया को इन सिचुएशंस में गलत मारा जाए, जो विशाल, शिवानी और सना पे ऑलरेडी इन्फ्लुएंस करके वो अपनी बात रख चुके हैं। क्या कहना है इस पर आप सभी का कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लेके बताएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बना बिल्कुल भी ना जाए।